उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं विश्व के ज्ञान के प्रतीक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, उनको मैं नमन करता हूँ। यूशियन बुद्धा चैनल देखने वाले सभी श्रावक संघ सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। अभी जो बहुत ही अच्छा विषय आपके सामने ले रहे हैं, उस विषय का नाम है नैतिकता, मॉरलिटी। बुद्ध धर्म में नैतिकता को बहुत महत्व दिया है। नैतिकता ये धर्म का एक अंग बनी हुए है। अगर नैतिकता नहीं है तो धर्म नहीं है और धर्म नहीं तो नैतिकता नहीं है। तो इसलिए ये दोनों परस्पर आपस में जुड़ी हुई बातें हैं, एक मेक से जुड़ी हुई है। इसलिए नैतिकता ये धर्म का एक विशेष अंग माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो धर्म में नैतिकता का वो स्थान है, जैसे और धर्म में कोई देवी देवताओं का स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार बुद्ध धर्म में नैतिकता को उतना ही महत्व दिया है। तो आप सोच लीजिए कि नैतिकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नैतिकता को हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये हमारे लिए सब कुछ है। नैतिक जीवन, नैतिक मूल्य, ये सब हमारे लिए सब कुछ है। हमारा पूरा जीवन, पूरा बुद्ध धर्म ये नैतिकता, नैतिक मूल्य के ऊपर बना हुआ है। जब हमारे नैतिक मूल्य खत्म हो जाएंगे तो हमारा धर्म भी खत्म हो जाएगा। जब हमारे धर्म में नैतिकता और मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानववाद, जो मानवता, ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, ये हमारे नैतिक मूल्य है, ये मूल्य नष्ट हो जाएंगे हमारे धम्म के ये मूल्य नष्ट हो जाएंगे तो हमारा धम्म कुछ काम का नहीं रहेगा। हमारा धम्म में ये नैतिक मूल्य को बहुत माना जाता है, किसी बात को उतना माना नहीं जाता। दूसरे धर्म में जो अलौकिकता, चमत्कारिकता, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म में इंसान, और वो इंसान को माना जाता है, वो इंसान और उस इंसान को माना जाता है कि जिस इंसान में नैतिकता हो, जिस इंसान में मानवता हो, ये इंसान, इस तरह का इंसान हमारे लिए पूजनीय होता है। ऐसे लोगों को पूजनीय समझते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी मन से भावनिक पूजा होती है, ये हमारे लिए पूजनीय है। कौन से? कि जो लोग नैतिकवान होते हैं, जो लोग मानवतावादी होते हैं, चाहे वे फिर किसी धर्म के लोग हो, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, चाहे वो किसी देश का हो, ये सीमाएं बुद्ध धर्म में बांध नहीं सकती। इस सीमा के बाहर जा करके बुद्ध धर्म ये मानता है कि
कि चाहे वो इंसान कहीं का भी हो, अगर वो इंसान नैतिकवान है या फिर जिसमें मानवतावादी है, ऐसे इंसान को बुद्ध धर्म में मान सम्मान या पूजनीय कहे जाते हैं। पूजा च पूजनीयंतं, ऐसे लोगों की मनोभाव से पूजा की जाती है, ऐसे लोगों का मान सम्मान किया जाता है। तो ये इस बारे में नैतिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम नैतिकता को जाने, नैतिकता के लिए हमें जानने की ज़रूरत है। नैतिकता को चाहे हमारे आचरण में नैतिकता है, नैतिकता समझने की बात है, इसलिए समझने की बात है कि ये हमारे आचरण में नैतिकता आए, जिसके वजह से हम बुद्ध धर्म को और विकास कर सकते हैं, बुद्ध धर्म को और उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। बुद्ध धर्म की ये विशेषता है कि बुद्ध धर्म ये चाहता कि हमारे समाज के अंदर, बुद्ध धर्म के अंदर नैतिकवान, सदाचारी और मानवतावादी इंसान निर्माण हो। इंसान के भरोसे ही बुद्ध धर्म चलता है, ये कोई मूर्ति के भरोसे नहीं चलता, कोई मंदिर के भरोसे नहीं चलता है, कोई विहार के भरोसे नहीं चलता है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म तो ये इंसान के भरोसे, ऐसे ही इंसान के भरोसे चलता है जो प्रज्ञावान हो, जो नैतिकवान हो, जो मानवतावादी हो, ऐसे लोगों से जो श्रेष्ठ है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को के ऊपर ही ये धम्म की आशा है और यही लोग धम्म को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे धम्म में जो अंधश्रद्धा जो है, वो अंधश्रद्धा पूरी गलत है। अंधश्रद्धा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा जो बनी हुई है वो अगर इंसान को माने तो वो सही होगा, लेकिन इंसान को छोड़ करके अगर कोई दूसरे और पूजा और अर्चा करता हो तो हम ये गलत मानते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के सामने हम गाथाएं बोलते हैं, मूर्ति के सामने गाथाएं बोलते हैं, बाबा साहब के मूर्ति के सामने, उनके प्रतिमा के सामने हम गाथा कहते हैं, पंचशील करते हैं, उनको मेनबत्ती चढ़ाते हैं, फूल पुष्प चढ़ाते हैं, तो क्या वो तथागत बुद्ध की मूर्ति स्वीकार करती है? क्या मेनबत्ती जलाते हैं तथागत की मूर्ति मेनबत्ती स्वीकार करती है? नहीं स्वीकार करती है। वो स्वीकार किसको करना है? स्वीकार को हमारे अंदर जो मन बैठा है, मन है हमारे अंदर जो चित्त है, वो चित्त ही हमारा भगवान है, चित्त ही हमारा तथागत बुद्ध है, हमारा चित्त ही बाबा साहब अम्बेडकर है। इनको हमें सिखाने की जरूरत है, मूर्ति को सिखाने की जरूरत नहीं, मूर्ति को पंचशील देने की जरूरत नहीं, मूर्ति को कई गाथा बोलने की जरूरत नहीं। हमारे मन में जो भाव पैदा है तथागत बुद्ध के, बाबा साहब अम्बेडकर के, ये भाव, ये जो मानसिकता, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस चीज़ को अगर इंसान माने तो नैतिकवान, नैतिकता ये सबसे बड़ी हमारे धम्म की एक ताकत है। नैतिकता ये ताकत है, मूर्ति ताकत नहीं है। बड़े बड़े राजाओं ने जो शिलालेख लिखे हैं वो हमारी धराधर है, हमारी ये जो इतिहास बताने वाली बात है। इतिहास तो जरूरी है, लेकिन जब हम अपने मन को मजबूत करने के लिए, ये आवश्यक है कि हमारे मन में तथागत बुद्ध होना चाहिए, हमारे चित्त में तथागत बुद्ध होना चाहिए, हमारे मन में बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए, हमारे विचारों में बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए और हमारे आचरणों में भी बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध धम्म होना चाहिए। ये हमारे नैतिकता है, ये हमारी नैतिकता है। कर्मकांडों में हमारी नैतिकता नहीं है, ये समझ ली, ये तो हमारे धरोहर है, ये तो हमारे ऐतिहासिक मूल्य है, ये हमारी परंपरा है। तो नैतिकता के बारे में हमें
जानना आवश्यक है, हम उसको अच्छी तरह से जाने समझे कि नैतिकता क्या होती है। समाज में ऐसे कोई विश्वास होती है, ऐसे कोई बातें होती है कि जिस बातों को, जिस विश्वासों को हम पवित्र मानते हैं, ऐसे कई विश्वास, कई ऐसी बातें होती है कि उस बातों को हम पवित्र मानते हैं और पवित्र मान करके उसको हमारे धम्म का, हमारे धर्म का एक उसको अंग मानते हैं, इतना उसको पवित्र मानते हैं। अगर इस पवित्रता में नैतिकता हमें लाना जरूरी है। अगर आदमी नैतिक नहीं है तो अपवित्र है, उसका धम्म में कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते हैं कि धम्म में ऐसी बातें, पवित्र बातें करके नैतिकता, मॉरलिटी, जैसे मानवतावाद, ये हमारे धम्म में पवित्र करके मानना चाहिए। इसके जैसे कोई बात हम पवित्र मानते हैं और पवित्र बात मान करके अगर उसके विरोध में कोई काम करता है, ये हमारे धम्म की पवित्र बात है, उसके विरोध में कोई काम करता है तो उसको हम गलत कहते हैं, उसको हम धम्म से, उसको यानी धम्म के विरोध में उसकी कार्रवाई बताते हैं, जो भी करते हैं वो पवित्र नहीं मानते। तो इसलिए जैसे हम कई देशों में देखते हैं कि बुद्ध के जो पीछे मुड़ करके पीठ नहीं रख तक पीठ करके बैठते नहीं या पीठ दिखा करके निकलते नहीं, ये परंपरा है, ये परंपरा है। लेकिन हमें ये आवश्यक है हमारे धर्म में कि नैतिकता को परंपरा माने, नैतिकता को परंपरा के क्षेत्र में लाए। जो आदमी नैतिकता नहीं है, नैतिकवान नहीं है, वो धम्म का आदमी है ही नहीं, ऐसे समझ लो। इतना जो है नैतिकता को महत्व है। तो दो जैसे है पवित्रता, पवित्रता ये धम्म का हिस्सा है। जो बातें धम्म में पवित्र मानी जाती है उस पवित्रता का पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। जो इस पवित्रता की बातें जो पवित्र के क्षेत्र में आई है, जो बातें पवित्रता के क्षेत्र में है, जो विश्वास पवित्रता के क्षेत्र में आए, उस विश्वास परंपरा बन के आ गई और उस विश्वास को हमें कायम रखना जरूरी है। और जो बातें अपवित्र मानी जाई गई है हमारे धम्म में, जो बातें अपवित्र मानी गई है कि जैसे पंचशील का पालन नहीं करना, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, फिर झूठ बोलना, फिर शराब पानी पीना, ये बातें हमारे बुद्ध धम्म में अपवित्र मानी गई है। इस बात को हमें अपवित्र मानना चाहिए और ये अपवित्र माने गई है। अगर ये बातें हम अपवित्र बातें धम्म में अगर उसको परंपरा बना करके रखेंगे तो शराब पी के कोई आदमी ये नहीं करेगा, उसको अच्छा कोई नहीं बोलेगा। आज ऐसा नहीं होता है। आज जो पंचशील का पालन नहीं करते, जो पांच शील को तोड़ते हैं, उस लोगों का भी हमारे समाज में धम्म में मान सम्मान होता है, उसको अच्छा आदमी बताया जाता। जो पांच शीलों को पूरा तोड़ देता है तो भी वो हमारे धर्म में, जैसे विहारों का अध्यक्ष हो गया, विहारों का अध्यक्ष, उसके अध्यक्षता में हमारे बुद्ध की मूर्ति रहती है, उसके अध्यक्षता में हमारा विहार रहता है, उसके अध्यक्षता में भिक्षु को काम करना पड़ता है। वो अध्यक्ष बन गया तो फिर वो पूरा मालिक बन गया। वो भिक्षु को भी बताएगा कि आपको ऐसा करना है क्योंकि मैं विहार का अध्यक्ष हूँ और आप विहार में रहते हैं तो हमको हमारी बात मानना ही पड़ेगा। लेकिन धम्म के माध्यम से हम उसको जांचना चाहिए कि वो अध्यक्ष बनने लायक है कि नहीं है। ये समाज में सोचना चाहिए समाज ने कि वो अध्यक्ष बनने लायक है कि नहीं, वो शराब पीता क्या,
वो गुंडागर्दी करता क्या, वो झूठ बोलता क्या, ये सब बातें देख करके हमें उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो बुद्ध विहार की कमेटी है, उस कमेटी के सारे सदस्य, ये नहीं कि वो पैसा देता है करके बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। जो पवित्रता है इसको मानना चाहिए कि पवित्र आदमी ही बुद्ध विहार कमेटी में रह सकता है और वही अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बनता है। जिसमें पांच शील का पालन नहीं करता, जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है, वो बुद्ध विहार पे अधिकार कैसा कर सकता है? बुद्ध विहार का अधिकारी कैसा बन सकता है? क्या पैसे देने से अधिकारी बन गया, गुंडागर्दी करने से अधिकारी बन गया? ये बातें पवित्रता के घेरे में नहीं आती। ये बातें निषिद्ध होना चाहिए कि ये पवित्रता के घेरे में नहीं आती है। अगर इस तरह से हमारे विहार की कमेटी, हमारे बुद्ध विहार एक सदाचारी लोगों के हाथ में आ जाए, अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए, तो हमारा बुद्ध धर्म भी फलेगा फूलेगा और विहार भी अच्छे रहेंगे। जिनको बुद्ध विहार से कुछ लेना देना नहीं है, इधर फैन बंद है, लाइट बंद है, ये बंद है, कुछ नहीं, वो अध्यक्ष बन के बैठ गया, बस मैं अध्यक्ष हूँ, जब कोई कार्यक्रम आता तात आकर के कुर्सी पर बैठता है, अध्यक्ष मेरा फोटो लगाओ, बैनर पे मेरा फोटो लगाओ। अरे तेरी नैतिकता क्या है, तेरी मानसिकता क्या है? धम्म में मानसिकता को देखा जाता है, धम्म में नैतिकता को देखा जाता है, धम्म में मानवतावाद को देखा जाता है। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? हमारी उपासिका भी विहार अध्यक्ष बन जाती, सदस्य बन जाती, कोषाध्यक्ष, और जिसको धम्म से कुछ लेन देन नहीं, इधर देवल में जाती, उधर अंदर सदा जाती, वो देवी की तरफ जाती, वो मांत्रिक की तरफ जाती, वो धागा बांधती, दोरा बांधती, फिर भी विहार कमेटी के अध्यक्ष, महिला मंडल के अध्यक्ष, कितना बुरा हाल है सोचिए। और इधर बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि नैतिकता ये पवित्रता के घेरे में आना चाहिए। जैसे दूसरे धर्म के ईश्वर को मानते हैं, वो पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार हमारे बुद्ध धर्म में पवित्रता को उस स्थान पे मानना चाहिए। नैतिकता और मानवता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात जिस दिन हमारे लोगों में समझ में आ जाएंगी, लोग समझेंगे, आज नहीं समझेंगे कल समझना पड़ेगा। अगर आपको बुद्ध धम्म ठीक से चलाना होगा, अगर बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना होगा, तो बुद्ध विहार कमेटी में अच्छे लोगों को लाना जरूरी है और अच्छे लोगों के हाथ में बुद्ध विहार सौंपना जरूरी है। आज भिक्षु भी परेशान है, उस वजह से भिक्षु को अच्छे काम नहीं करने देते। जिसको धम्म समझा नहीं, जिसको धम्म का कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे लोग भिक्षु को आर्डर करते हैं कि आदेश करते कि पंत जी आपको यह करना है। क्यों? तो मैं अध्यक्ष हूँ विहार का, मैं विहार के अध्यक्ष हूँ, अध्यक्षा हूँ, मैं चाहे घर में कुछ भी करे, अंदर श्रद्धा करे, किसी की पूजा करे, अर्चा करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं विहार की अध्यक्षा हूँ, आपके ऊपर मेरा अधिकार है, क्योंकि आपको विहार में रहना है तो आपके ऊपर हमारा अधिकार है। इस तरह से बातें चलती है तो बड़ा आदमी को दुख पहुँचता है, दुख होता है कि हमारे जो विहार जो है वो अच्छे लोगों में होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथ में होना चाहिए। भिक्षु का काम नहीं है विहार बांधना, विहार बांधना ये उपासक का काम है। भिक्षु का काम नहीं है विहार के लिए पैसा जमा करना, जो भिक्षु घर घर घूमते हैं पैसा दो में जो विहार बांधना है, भिक्षु का काम विहार बांधना नहीं है, पैसा पान लेना भिक्षु का काम नहीं है। जो दान से मिलता है वही भिक्षु लेता है, पैसा मांगना भिक्षु का काम नहीं है। इसलिए उपासक का काम है कि भिक्षु के लिए निवास स्थान बना दो, भिक्षु के लिए विहार बना दो, अच्छे भिक्षु का पालन पोषण करो, ये उपासक का काम है और ये
उपासक में सही मायने से करना चाहिए, तभी नैतिकता इस देश में या बुद्ध धर्म में एक अच्छा रूप पैदा करेगी, सर्वव्यापी बनेगी। इसलिए तथागत बुद्ध कहते कि नैतिकता ये पवित्र होना चाहिए, नैतिकता ये पवित्र होना चाहिए और ये नैतिकता सर्वव्यापी होना चाहिए, सभी चीज़ में नैतिकता हमें दिखाई देना चाहिए। तो नैतिकता के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि जो अपवित्रता मानी जाती है धम्म में, उसके विरुद्ध में हमने काम नहीं करना चाहिए, उसका यानी अपवित्रता है उस धम्म में, जिस चीज़ को अपवित्र माना गया उस चीज़ को हमें नहीं करना है, और जिस किस चीज़ को धम्म में पवित्र माना गया है उस चीज़ को हमें मानना है, उस चीज़ को हमें करना है। नैतिकता को धर्म क्षेत्र में एक पवित्र का दर्जा मिलना चाहिए, धम्म में पवित्र का दर्जा नैतिकता को मिलना आवश्यक है। जब तक तुम नैतिकता को पवित्र के दर्जे में नहीं लाएंगे तब तक हमें नैतिकवान लोग नहीं मिलेंगे, नहीं तो कैसा भी चलता है धम्म में, कैसा भी चलता है, इससे धम्म नहीं चलेगा, इससे तो धम्म की बर्बादी होगी। हम लीडर देखते हैं अंबेडकरी मूवमेंट के लीडर नेता लोग कैसे भी चलते, शराब पीते, मटन खाते, ये खाते वो खाते, तो भी हमारे लीडर हमारे नेतृत्व करने वाले हैं जिसमें चारित्र बल कुछ भी नहीं, चारित्र का नाम चरित्र का नामो निशान नहीं दिखता जिसमें, लेकिन ऐसे लीडर हम हमारे ऊपर थोपे जाते किस संगठन में, आम्बेडकरवादी संगठन में, कि आम्बेडकर ने इस बात को किया था, बाबा साहब ने शराब पिया था, इस तरह से बातें की थी बाबा साहब ने, आप कैसा समाज निर्माण करना चाहते हो? हमें नैतिकवान समाज निर्माण चाहते हैं, नैतिकवान लोग निर्माण करना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, राज के क्षेत्र में है तो ऐसा नहीं चलेगा कि कैसा भी आदमी है उसके नेतृत्व में हम काम करें। अच्छे लोग गलत लोगों के नेतृत्व में क्यों काम करेंगे ये बताओ आप, गलत नेतृत्व के अंडर अच्छे लोग क्यों काम करेंगे, उसको क्यों नेता मानेंगे, उसमें क्या काबिलियत है, सिर्फ पैसे से बड़ा है इसलिए मानेंगे उसको, वो हमको गुलाम बनाएगा पैसे से बड़ा है करके, समाज को गुलाम बनाएगा, सादा नगर सेवक करके चुन के नहीं आ सकते, वो अध्यक्ष बन जाते हैं पीने खाने वाले लोग, और उसको अध्यक्ष पद दिया जाता है संगठन में। ये अंबेडकरी संगठन की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। तो हम नैतिकता को जब तक हम मानते नहीं, नैतिकता को जब तक हम महत्व देते नहीं, हमारे संगठन कोई चलने वाले नहीं है, हमारे संगठन ऐसे टूटते जाएंगे, क्योंकि संगठन में हमें नैतिकता को स्थान नहीं दिया, संगठन में हमने नैतिकता को स्थान नहीं दिया, चाहे बुद्ध विहार की कमेटी हो या पॉलिटिक्स हो, राजकारण में भी, हर क्षेत्र में हमें नैतिकवान लोग चाहिए, क्योंकि ये आम्बेडकरी मूवमेंट, तथागत बुद्ध की मूवमेंट, ये नैतिकवान लोगों की मूवमेंट है, ऐसे आलतू फालतू लोगों की मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि नैतिकता पवित्र होना चाहिए, नैतिकता सर्वव्यापी होना चाहिए। तो हम नैतिकता के बारे में आपके सामने अभी बातचीत रखते हैं कि नैतिकता को पवित्र के घेरे में लाने के लिए तथागत बुद्ध ने तीन बातें बताई है। नैतिकता पवित्र क्यों मानना चाहिए, नैतिकता सर्वव्यापी क्यों मानना चाहिए, किस तरह से मानना चाहिए, नैतिकता में क्या होना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बाबा साहब ने द बुद्ध इन धम्म में आपको दिया है। ये अगर नैतिकता आपके समझ में आ गई तो आपको सब कामों में आप
अच्छी तरह से काम कर सकेंगे और अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं। और समाज ने क्या करना चाहिए, ये सब बातें इस नैतिकता के प्रकरण में बाबा साहब ने आपको बताई है। नैतिकता में पहले जो है, पहला जो मुद्दा बताया कि जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो समाज नैतिकवान है, जिसमें जो नैतिकवान है, जिसमें मानवतावाद है, जो शीलों का पालन करता है, जो दूसरे लोगों के लिए काम करता है, अपना स्वयं का भी भला करता है और लोगों को, अन्य लोगों के लिए भी काम करता है, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ लोग कहते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास।